हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? आज मैं आई हूँ क्यूकुम्बर चटनी रेसिपी के साथ। चलो देखते हैं। इधर मैंने लिया है 3 क्यूकुम्बर। अभी मैं इसका स्किन निकाल रही हूँ। देखिए, इस तरह मैं कट कर रही हूँ, पतला स्लाइस करना है। ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बनाने के लिए बहुत इजी है, फटाफट बनता है। देखिए, इस तरह मैंने पूरा तीनों क्यूकुम्बर इस तरह कट करके रखे हैं। अभी इसमें ऐड करते हैं चटनी। ये कोकोनट चटनी है। इसका कोकोनट चटनी का रेसिपी आप मेरा चैनल में देख सकते हैं। इस तरह चटनी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी इसको एक तड़का देते हैं। देखिए, तड़का के लिए मैंने 2 टीस्पून ऑयल डाला है और थोड़ा राई मतलब मस्टर्ड सीड्स और थोड़ा करी लीव्स, करी पत्ता, और एक इधर मैंने रेड चिल्ली लिया है। ये रेड चिल्ली अच्छा क्रिस्पी होने तक इसमें ऑयल में फ्राई करना है। अभी देखिए, तड़का रेडी हो चुका है, इस पे डाल देते हैं। अभी ये डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करते वक्त ये चिल्ली है, देखिए इसी स्पून से मैं चिल्ली, ये क्रिस्पी होता है चिल्ली, वो अच्छी तरह से स्पून से इस तरह मैं चिल्ली मैश कर रही हूँ। देखिए, उसका वो चिल्ली का फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। अभी मैंने थोड़ा सॉल्ट ऐड कर लिया है। देखिए कितना अच्छा बना ये रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करें। बाय बाय, टेक केयर।